हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्राई कंपनी के बारे में, जिसने अभी रिसेंट ही अनाउंस किया था कि वो अपना आईपीओ लाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए एंड तक जरूर देखना। अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्राई कंपनी करती क्या है? बेसिकली ये एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन है पेरेंट्स के लिए, जहां पर बच्चों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इनफैक्ट मेटर्निटी मॉम्स के लिए भी। इस प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग सुपर महेश्वरी ने की थी 2010 में, जिस टाइम पर उन्होंने बेबी प्रोडक्ट्स रिटेलिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया। 2019 से पहले कंपनी जो भी अर्निंग करती थी वो अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करती थी, जिसके ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे कि बेबी हग, टॉफी हाउस, मिमी, ग्रैको, हिमालय बेबी केयर, मामा, डिज्नी, बाबी एंड सो ऑन। आप बोल सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए ए से लेकर जेड तक हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है, चाहे वो फैशन एक्सेसरीज में है, चाहे वो बाथ एंड स्किन केयर में है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो स्किल्स हैं, फीडिंग, नर्सरी एंड सो ऑन। इस प्लेटफॉर्म पर जो भी आप ऑर्डर करते हो उसकी डिलीवरी के लिए कंपनी ने एक लॉजिस्टिक आर्म के साथ पार्टनरशिप या बोलो टाइप किया हुआ है, दैट इज एक्सप्रेस बीज, जो कि रिलायबल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस प्लेटफॉर्म का एक बहुत अच्छा यूनिक हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिसके थ्रू कंपनी हर मंथ 70,000 से भी ज्यादा न्यू पेरेंट्स को अप्रोच करती है। बेसिकली इस प्रोग्राम में सिंपल ये है कि कंपनी ने 6,000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाइप किया हुआ है, तो जैसे ही कोई न्यू पेरेंट बनता है तो कंपनी उनको फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड करती है। आप खुद सोचिए कि जब कंपनी एक बार पेरेंट्स को फ्री गिफ्ट्स दे दे तो दोबारा यूज करने के लिए पेरेंट्स उनके प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। इसीलिए कंपनी उसी तरह से एक तरह से इनडायरेक्टली मार्केटिंग करके पेरेंट्स को अप्रोच कर पाती है, जिसके कारण 70,000 से भी ज्यादा न्यू पेरेंट्स के साथ कंपनी टाइप हो जाती है। अब हम बात करते हैं, कंपनी ने अपनी जर्नी में काफी ज्यादा एक्विजिशंस भी की हैं, जिसमें से 2016 में कंपनी ने महिंद्रा ग्रुप के ब्रांड बेबी ऑय को एक्वायर किया था। उसके बाद कंपनी ने ओआई प्ले स्कूल कंपनी को भी एक्वायर किया था, जो कि बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जैसे कि छोटे बच्चों को प्री नर्सरी और नर्सरी की क्लासेस। ये एक टाइप का फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसके 55 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं। बेसिकली इस कंपनी का प्लान है कि वो आने वाले टाइम में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जैसे कि यूरो किड्स, किड्जी को भी एक्वायर करेंगे। तो ये है कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल। अब हम जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। उसके लिए सबसे पहले है टोटल रेवेन्यू। बेसिकली रेवेन्यू के दो पार्ट्स हैं, नंबर वन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका मतलब ये है कि कंपनी कोर बिजनेस से कितनी अर्निंग करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 2019 से लेकर 2021 तक कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी के एफडी में कुछ डिपॉजिट्स हैं, सेविंग अकाउंट में हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सभी को हम अदर इनकम में काउंट करते हैं, तो वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट है एक्सपेंसेस। बेसिकली यदि आप गौर करके देखोगे तो 2019 और 2020 में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए इसका इफेक्ट किसके पड़ेगा, मतलब किसके ऊपर पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, जिसके कारण ही 2019 और 2020 में कंपनी ने लॉस रिकॉर्ड किया है। फाइनली 2021 में कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी शो की, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा हुआ और एक्सपेंसेस कम हुए। कंपनी के यदि एक्सपेंसेस की बात करें तो दो मेजर चीज़ों पे ऊपर कंपनी ज़्यादा फोकस करके एक्सपेंस करती है। नंबर वन एड एक्सपेंसेस और सेकंड है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एड तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कंपनी का एक ऑफलाइन स्टोर है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण मार्केटिंग के ऊपर कंपनी एक्सपेंसेस करती है। वहीं पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं, जैसे कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी, ग्रेचुटी और ई सॉप्स प्रोवाइड करती है। तो ये है कंपनी के सिंपल से फाइनेंशियल्स। अब हम बात करते हैं लास्टली कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। उससे पहले
यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके साथ साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आज ही ओपन आउट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो बेसिकली कंपनी ने आईपीओ के लिए दो इंस्टीट्यूशनल बैंकर्स को हायर किया है, जैसे कि कोटक महिंद्रा कैपिटल कॉर्पोरेशन और मॉर्गन स्टैनली। कंपनी की करंट वैल्यूएशन है $2.7 बिलियन से लेकर $3 बिलियन तक। कंपनी बेसिकली 2020 में यूनिकॉर्न बनी थी $296 मिलियन रेज करके जापान के सॉफ्ट बैंक से। जापान के सॉफ्ट बैंक के पास इस कंपनी का 30% का स्टेक है। बेसिकली इस कंपनी का प्लान है कि वो आईपीओ के थ्रू अपनी वैल्यूएशन को रेज करेंगे $6 बिलियन से लेकर $7 बिलियन। बट अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि कंपनी कितना ऑफर फॉर सेल पोर्शन लाएगी या फिर फ्रेश इशू। तो बेसिकली इसका रीज़न सिंपल ये है कि अभी यूएस का रिसेशन चल रहा है, जिसके कारण कंपनी अपने आईपीओ को थोड़ा सा डिले कर रही है। हम मान सकते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी का आईपीओ आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप आने वाले आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो उस वीडियो को आप वीडियो की लेफ्ट साइड पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय।